दीदी दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल डॉल। बेटा लेकिन इसे दैट इज अ डॉल नहीं कहेंगे, इसे तो दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉल कहेंगे। क्यों इसे दैट इज अ ब्यूटीफुल डॉल क्यों नहीं कहेंगे? अच्छा लगता है तुम्हें दिस और दैट का ठीक ठीक प्रयोग अभी नहीं मालूम है। ऐसा करते हैं आज हम तुम्हें दिस और दैट का सही सही प्रयोग करना सिखाते हैं। तुम्हारे और बाकी के दोस्त कहाँ गए, तुम उनको भी तो जरा बुला लो। आ गए सब बच्चे? हाँ बैठ जाइए। बच्चों आज मैं तुम्हें दिस और दैट का प्रयोग कब किया जाता है हाँ इस बारे में बताऊंगी, ठीक है ना? सीखेंगे ना बच्चों? हाँ दीदी। दिस का मतलब होता है ये, है ना? पता है ना सबको? जब कोई भी चीज, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो, फूल हो, कोई भी चीज जो हमारे बिल्कुल पास में होती है, मतलब बिल्कुल नजदीक होती है, तो हम उसके लिए हमेशा दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। जैसे ये बॉल बिल्कुल हमारे पास में है तो हम इसके लिए दिस इज अ बॉल बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज अ बॉल। दिस इज अ बॉक्स, ठीक है ना? दिस इज अ पेंसिल, क्योंकि ये पेंसिल भी हमारे पास है, हम इसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ पेन, हाँ ये पेन भी हमारे पास में है तो ये दिस इज अ पेन होगा। अच्छा आप बताइए मानसी, आप बताइए व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ बॉल। बिल्कुल ठीक। आप बताइए मनीष, व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ बॉक्स। बिल्कुल ठीक। आप बताइए अभिनव, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार। बिल्कुल ठीक, समझ में आ रहा है। अभिषेक आप बताइए, व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ बुक। बिल्कुल ठीक, सब लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया। लगता है अब तुम लोगों को समझ में आ गया है हाँ, क्योंकि वो चीजें तुम्हारे पास थी इसलिए तुमने उसके लिए दिस का प्रयोग किया। अब हम तुम्हें दैट के बारे में बताते हैं। जैसे कि दिस का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज बिल्कुल हमारे पास में होती है, इसी तरह दैट, दैट का मतलब क्या होता है पहले ये बता दो तुम लोग, पता है किसी को? बताइए। हाँ आप बताइए। वो हाँ दैट का मतलब होता है वो। तो दैट का प्रयोग तब करते हैं हम जब कोई चीज हमसे दूर होती है, थोड़ी दूर होती है तब हम उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो ये पकड़िए, अब वो बॉल हमसे दूर हो गई, अभी तो मेरे पास थी तो हम उसके लिए दिस इज अ बॉल बोल रहे थे, अब वो बॉल हमसे दूर हो गई है तो हम बोलेंगे दैट इज अ बॉल, है ना? ठीक है ना, वो बॉल हमसे दूर है ना। इसी तरह वो बॉक्स भी हमसे दूर है तो हम उसके लिए बोलेंगे दैट इज अ बॉक्स। ये पकड़, अभी ना आप इसे पकड़िए हाँ, अब वो डॉल हमसे दूर हो गई है ना, तो हम उसके लिए बोलेंगे, प्रयोग करेंगे दैट इज अ डॉल, है ना? लेकिन वो डॉल तुम्हारे पास है तो तुम उसके लिए क्या बोलोगे? दिस इज अ डॉल। बहुत अच्छे, ठीक है। अब आप लोगों को दैट का मतलब समझ में आ गया? अच्छा अभिनव, आपको हमने अभी एक कार दी थी ना, अब आप उस कार को बताइए, आप क्या बोले थे?
दिस इज अ कार। बिल्कुल ठीक, लेकिन अब जरा आप इस कार को चलाइए तो और इसको दूर पहुंचाइए। अब ये कार आपसे दूर हो गई, तो अब आप उसके लिए क्या बोलेंगे? दैट इज अ कार। बिल्कुल ठीक बताया है ना बच्चों, ठीक बताया ना इन्होंने। अब मैं कुछ और आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग हमें बताइएगा। अभिषेक आप बताएंगे, वॉट इज दिस? दैट इज अ फ्लावर। बिल्कुल ठीक, मैं तो उसे दिस बोल रही हूँ लेकिन वो दैट बोल रहा है। क्यों बोल रहा है बच्चों, बताइए आप लोग क्यों बोला उसने दैट? क्योंकि उससे बहुत ये फूल बहुत ही दूर है। हाँ बिल्कुल ठीक, वो फूल इससे दूर है। लेकिन अच्छा अब तुम बताओ, अब ये वॉट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ फ्लावर। बिल्कुल ठीक, ये फ्लावर तुम्हारे पास में हो गया है। आप बताइए, वॉट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ जीप। बिल्कुल ठीक। मानसी, वॉट इज दिस? दैट इज अ एरोप्लेन। दैट इज एन एरोप्लेन। बिल्कुल ठीक बताया, हाँ आपसे दूर है। अच्छा अब आप इसे क्या बोलेंगी? दिस इज एन एरोप्लेन। बिल्कुल ठीक, वो एरोप्लेन अब आपके पास पहुंच गया इसलिए आपने उसके लिए दिस इज एन एरोप्लेन बोला, ठीक है ना? अभिषेक आप एक बार फिर बताइए, वॉट इज दिस, ये क्या है? दैट इज अ ग्लोब। बिल्कुल ठीक, आप लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक समझ में आ गया सबको। अच्छा थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, खेलते हैं ना? हाँ दीदी। और बड़ा मजा भी आता होगा। हाँ, हाँ और क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलिंग भी जरूर करते होंगे, बॉल फेंकते हैं ना? हाँ। तो जब आप क्रिकेट की बॉल फेंकने के लिए हाथ में लिए रहते हैं जब तक, तब तक तो आप उसे दिस इज अ बॉल बोलते हैं, बोलेंगे है ना? और जैसे ही उसे दूर फेंक देंगे, मतलब फेंकेंगे और वो बॉल आपसे दूर हो जाएगी, तब बताइए उसके लिए क्या बोलेंगे? दैट इज अ बॉल। बहुत अच्छे है ना। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। This is a duck. Duck, this is a duck क्यों कहा गया है? क्योंकि ये duck तो बिल्कुल पास में बनी है। अच्छा इसे पढ़िए। That is a duck. बिल्कुल ठीक, इसे ये है that is a duck. ये duck देखो बीच में इसमें जगह दे दी गई ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये duck दूर है, है ना? दूर बताने के लिए ये बीच में खाली जगह कर दी गई है, तो इसके लिए लिखा गया है that is a duck.